गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल सर श्री घनश्याम जी वर्मा, श्री कैलाशचंद्र जी गुप्ता वाइस प्रिंसिपल सर, शाला के सभी फैकल्टी सदस्य एवं प्यारे बच्चों, आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर जब मेरी आदरणीय मित्रों साथ से चर्चा हो रही थी, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम 100 वर्षीय इस ऐतिहासिक शिक्षा संस्थान के प्रांगण में बैठे हुए हैं और यह कोटा के लिए गौरवशाली परंपरा है, गौरवशाली बात है कि यहाँ से पढ़कर अनेकों विद्यार्थियों ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और उसके साथ साथ उसकी आज़ादी के पहले भी ये चल रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस ऐतिहासिक प्रांगण में बैठे हुए हैं और हम नेत्रों के बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और हमारी 80% लर्निंग आंखों के माध्यम से होती है। यदि हम आंखें 30 सेकंड के लिए बंद कर लें, 30 सेकंड्स के लिए हम आंखें अपनी बंद कर लें तो दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। और ये आंखें ईश्वर ने बहुत ही सोच समझ के बनाई है, बड़ी जटिल है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी यूनिक है और इन आंखों के माध्यम से हम अपने जीवन में 80% लर्निंग करते हैं। बच्चों, हमारी आंखें जो होती है वो 28 ग्राम होती है वजन में और इसके जो सबसे 4 महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं उनका नाम है कॉर्निया, लेंस, रेटिना और ऑप्टिक नर्व। आंखों की जो टोटल पावर होती है वो 60 डायोप्टर यानी 60 डायोप्टर होती है। और कोई बच्चा बता सकता है कि सबसे ज़्यादा पावर कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करता है? सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है वो कॉर्निया, कॉर्निया यानी पारदर्शी पुतली। कॉर्निया कॉन्ट्रीब्यूट करता है 44 डायोप्टर। और दूसरा पार्ट जो होता है लेंस, वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है 14 डायोप्टर। और उसके बाद फिर एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर जो होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप ही देखते हैं ये हमारी आंख और इसका ये जो पार्ट है कि आयरिस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसके अंदर जो रंगीन भाग होता है वो आयरिस कहलाता है। ये ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है वो कॉर्निया होता है, उसके अंदर जो भाग है वो आयरिस कहलाता है। आयरिस के कारण ही हमारी पुतली का रंग होता है, आंखों का रंग होता है, किसी का डार्क ब्राउन होता है, किसी का नीला भी होता है। तो वो रंग जो होता है वो आयरिस के कारण होता है। और ये दूसरा पार्ट हमारा लेंस, क्रिस्टलाइन लेंस, जो क्रिस्टलाइन लेंस नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और जब इसकी पारदर्शिता समाप्त हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है। उस बीमारी का नाम क्या है? जब आंख का लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है तो बीमारी हो जाती है, इसे दिखना बंद हो जाता है। इसको बोलते हैं मोतियाबिंद, सही बताया। मोतियाबिंद हो जाता है जिसको कैथेट कहते हैं, जब पारदर्शिता इसकी समाप्त हो जाती है तो कैथेट हो जाता है। और ये क्या चीज, आंख के अंदर एक फ्लूइड होता है जो आंख का लगभग 80-90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसको बोलते हैं विट्रियस, विट्रियस फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जेली नुमा सब्सटेंस होता है जो आंख का लगभग 90% पार्ट होता है, पूरा पार्ट ऑक्यूपाई करता है। और जब इसके अंदर कुछ
चेंजेज आने लग जाते हैं, कुछ काले बच्चे होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लोटर्स। तो आज आपने जाना कि कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, शरीर का कांच होता है और वो सबसे पावरफुल मीडिया है, प्रोटीन को डायरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। दूसरा जो मीडिया है वो लेंस है, वो प्रोटीन डायरेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट करता है और प्रोटीन डायरेक्टर जो है वो लेंस कॉन्ट्रीब्यूट करता है। जब लेंस के अंदर पारदर्शिता समाप्त हो जाती है तो फिर कैटर हो जाता है। और साफ देखने के लिए कॉर्निया जो होता है घड़ी के नुमा घड़ी कांच नुमा जो होता है उसका साफ होना, उसका ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। और उसके बाद ये आँख का जो अंदरूनी हिस्सा है उसमें आप देखा है पूरा, इसका क्या नाम है, इसको हम हिंदी में दृष्टि पटल भी कहते हैं। आँख का अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं, इसको रेटिना। और ये क्या है, ये है ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका, ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका। ये हमारे हम जो देखते हैं उसको ब्रेन तक ले जाती है, मस्तिष्क का हॉस्पिटल एरिया कॉर्टेक्स तक वहाँ तक ले जाती है। और हम कोई भी इमेज देखते हैं वो उल्टी इमेज हमारे यहाँ तो ब्रेन उसको सीधा करता है, ब्रेन उसको सीधा करता है। तो ये तो आंखों की संरचना के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि हमारा देश में जो 140 करोड़ लोग हम लोग हैं तो अनफॉर्चुनेटली पूरे वर्ल्ड में यदि हम अंदर की बात करें 4 करोड़ 80 लाख व्यक्ति पूरे वर्ल्ड में, हर 5 सेकंड में एक व्यस्त व्यक्ति एक एडल्ट आदमी अपने आंखों की रोशनी खो देता है पूरे वर्ल्ड में। और प्रत्येक मिनट एक बच्चा खो जाता है और 80% केसेज में इस अंधता को उपचार के द्वारा रोका जा सकता है या ऑपरेशन के द्वारा इन अंधे व्यक्ति की रोशनी जुड़ाई जा सकती है। और विश्व भर में 4 करोड़ 80 लाख व्यक्ति ब्लाइंड हैं, उनमें से 1 करोड़ 35 लाख व्यक्ति भारत में निवास करते हैं। तो इसलिए अगर हम देखा जाए मोटे तौर पर तो हर तीसरा व्यक्ति थर्ड ब्लाइंड पर्सन इंडियन, विश्व का हर तीसरा जो अंधा व्यक्ति है वो भारतीय। आज 23 तारीख को हमने चंद्रयान पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग करवा कर पूरे विश्व भर में एक सम्मानजनक स्थान बनाया है। आइए हम मिलकर संकल्प लें कि भारत में जो उपचार योग्य अंधता है उसका उन्मूलन करेंगे, हम उस अंधता का कलंक को मिटाते रहेंगे। क्योंकि ये अंधता जो है ये एक व्यक्ति के या एक डॉक्टर के बस से या किसी डॉक्टर बिल्कुल नहीं हटा सकते, इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। तो आइए हम जागरूकता फैलाने के लिए कुछ 5 बीमारियों के बारे में चर्चा करें, बहुत संक्षिप्त चर्चा रहेगी। 5 बीमारियां हैं जिससे हमारी अंधता होती है। सबसे पहली बीमारी है इस बारे में चर्चा की, कौन सी बीमारी थी, मोतियाबिंद, वेरी गुड। दूसरी बीमारी है जिससे हमें अंधता होती है वो है ग्लूकोमा, काला पानी, दूसरी है ग्लूकोमा। तीसरी बीमारी है जिससे दृष्टि बाधित होती है वो है रिफ्रैक्टिव एरर, रिफ्रैक्टिव एरर मतलब बिना चश्मा के मात्र चश्मा लगाने से वो रिफ्रैक्टिव एरर वो दृष्टि दोष आपका करेक्ट हो सकता है। तीसरी बीमारी है दृष्टि दोष, चौथी बीमारी है पर्दे की बीमारियाँ जैसे डायबिटीज, रेटिनोपैथी, और पांचवी बीमारी है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल बीमारियाँ। तो इनसे बचने के लिए भी हम उपाय की चर्चा करते हैं। मोतियाबिंद से बचने के लिए हमें सूरज की पराबैंगनी किरणों से बचना पड़ेगा। जब भी आप बाहर जाएं रूम में जाएं तो सनग्लासेस लगा सकते हैं या फिर टोपी लगा सकते हैं। दूसरा, चोट लगने से अपनी आंखों को बचाएं। कई बार हवा रामायण जब आई थी तब के माध्यम से कई लोगों की आंखें टोटी लोग थी, तो चोट लगने से अपनी आंखों को बचाएं। स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स का उपयोग बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं करें। कई बार कई लोगों को एलर्जी होती है और खुजली के लिए वो केमिस्ट के पास जाते हैं और कुछ स्टेरॉयड वाली दवाइयाँ यूज करने लग जाते हैं, वो दवाई से आराम तुरंत मिल जाता है लेकिन उस दवाई को बंद करना भूल जाते हैं और लंबे समय तक करती रहती है। तो उसकी वजह से ग्लूकोमा यानी काला पानी और मोतियाबिंद दोनों बीमारी हो जाती है। तो स्टेरॉयड वाली ड्रॉप का उपयोग करें, फास्ट फूड का उपयोग कम से कम करें, हरी सब्जियाँ खाएँ, पालक, मेथी, बथुआ, गाजर, पपीता, अमरूद जैसे मौसमी फल खाएँ जिससे कि अपनी आँखें सही रहे। तो ये मोतियाबिंद से बचने के उपाय हैं। दूसरा है ग्लूकोमा यानी काला पानी, काला पानी का एक बीमारी है जिसका नाम ही इतना खतरनाक है। तो ग्लूकोमा से बचने के लिए जब भी आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ आप अपनी आँखों का प्रेशर की जाँच जरूर कराएँ।
जिस प्रकार से हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है उसी प्रकार से आई प्रेशर भी होता है। तो कई बार हम जल्दबाजी में आंखों के प्रेशर की जांच नहीं करा पाते हैं क्योंकि कई बार चक्कर के नंबर ले लिया और सब ठीक चल रहा है बस। तो ये क्या साइलेंट ट्रीप ऑफ साइड है, जिस प्रकार से ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप एक साइलेंट किलर है, उसी प्रकार से ग्लूकोमा साइलेंट ट्रीप ऑफ साइड यानी कि दृष्टि का गुप्त चोर है, जिसकी जाँच कराना जरूरी है। बच्चों के पेरेंट्स को जिन व्यक्तियों को आनुवंशिक मतलब उनके माता पिता को ग्लूकोमा है वो तो जांच जरूर कराएं। तीसरा है दृष्टिदोष, दृष्टिदोष का मतलब होता है रिफ्रैक्टर एस्पी का नंबर। कई बार क्या होता है जब मैं पढ़ता था मुझे मैं मेडिकल कॉलेज पढ़ता था मुझे कम दिखाई देता था तो मैंने चश्मे की जांच कराई, तो चश्मे लगा घर आया तो घरवालों ने हमारे सर मेरी मजाक उड़ाई, उन्हें बोला अरे आपका लड़का मम्मी से बोला आपका लड़का डॉक्टर बनने गया था, ये तो खुद ही चश्मे का चश्मा लगा आया है इसलिए अपनी आंख को आप बंद करें दूर देखें, जैसे सामने से देख रहा हूँ फिर दूसरी आंख को बंद करें दूर देखें, दोनों आंखों से आपको बराबर दिखाई देता है आपकी रोशनी सही है। कई बार क्या होता है कम दिखता है बराबर दिखता है नॉर्मल दिखता है, तो ये टेस्ट का है जो आप कर सकते हैं और हम सुविधे चिकित्सालय की ओर से भी यहाँ केंद्र लगा देंगे ताकि आप हम भी जाँच हो जाए कि चेकअप हो जाए आपका, तो वो भी हम रजिस्टर कर सकते हैं रेफर करके। अगली बीमारी है पर्दे की बीमारियाँ, पर्दे की बीमारियाँ मतलब आपका जो पर्दा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ब्रेन के बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई पर्दे को होती है, इसलिए आपका पर्दा वो है जो कैमरे में फिल्म होती है, कैमरे में पुराना कैमरे होते हैं जिस फिल्म होती है कर लेते हैं बच्चों, तो वैसे पर्दा होता है। तो पर्दे के जमाने के लिए जिनको डायबिटीज है जिनका माइनस नंबर है -5, -6, -7 वो दवा डाल के पर्दे की जाँच जरूर कराएं, क्योंकि पर्दे में छेद हो जाते हैं पता नहीं चलता है, कई लोगों को डायबिटीज होती है जिसे पता नहीं चलता है, तो पर्दे की जाँच जरूर कराएं। और उसके बाद में आखिरी कॉर्नियल ब्लाइंड है, तो कॉर्निया मैंने बताया कि पारदर्शी जो हल्के कान जैसा हिस्सा होता है उसको बचाने के लिए आँखों में आँख को चोट से बचाएं, फटाखा चोट भी लग जाता है कई लोगों को, बबुल का फाटा घुस जाता है आपके अंदर किसानों को उससे बचाएं। और जो लोग कई लोग बच्चे क्या होता है कई बच्चों को पेरेंट्स चूना खाते हैं तो चूने की पाउच होती है वो बच्चे दबाते हैं टॉयलेट समझ के खिलौना समझ के और उस चूने के पाउच से आँखों की रोशनी सदा के लिए चली जाती है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस हो जाती है, कॉर्निया खराब हो जाता है, इसलिए चूने से दूर रहें। अभी बेटा नाम क्या आपका, आपका नाम क्या, आपका क्या नाम बेटा, नाम क्या बेटा, हर्षित, हर्षित जी भी आँखों मसल रहते हैं है ना, तो आँखें ही बढ़ती आँखें मसल से भी क्या होता है कि बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं टेढ़ो बोलते हैं है ना, तो आँखें मसल जिसे मसल रहे तो कई लोग मसल तो आँखों को मसलना क्या होता है बेटा कि इसके लिए तो टेढ़ा होना है, बार बार जब आँखों को मसलते हैं लोग तो आँख का जो कॉर्निया होता है पार्टी से दूसरी होती है उसमें माइक्रोट्रोमा होता है और उसे टेढ़ा होने की बीमारी लगती है। मैंने हर्षित का नाम लिख लिया कि हर्षित की आँखें मसलने लगे हुए थे तो मुझे लगा कि चलो ठीक है तो मैं इसको देख कर जान लिया तो इसलिए ध्यान रखते हैं चीज़ों का। और इसके साथ साथ ब्राइटनेस का मतलब होता है अंधकार, सबसे कैंसर और हार्ट रोगों के बारे में हार्ट रोगों के बाद सबसे थर्ड पीरियड पॉज है, इसलिए आदमी को अगर आप अंधे बत्ती से अपनी कल्पना करते हैं आप बंद करके देखते हैं तो कितना दावा होता है कितना साधारण लगता है कि आदमी से जल्दी कैसे जीने में, तो इसके लिए हमें क्या रक्तदान के बारे में ध्यान देना होगा। रक्तदान जो है वो एक ऐसी परंपरा है जो भारत की ऋषि संबंध है, ऋषि दालीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ऋषि दालीज ने अपनी अस्थियाँ दान की थी जिनकी अस्थियों से एक वज्र बना था जिससे वज्रासुर मारा गया था, और हमारे संस्कृति में हमारी पुरातन परंपरा में दान का बहुत बड़ा महत्व है, दान का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए दान के माध्यम से मरणोपरांत रक्तदान जीते जी रक्तदान 6 घंटे के अंदर हम अपनी अनंत यात्रा पर निकलने के बाद नेत्रों को दान कर सकते हैं 6 घंटे के अंदर। उसके लिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जब भी कभी आसपास में किसी भी परिवार में या आसपास में कोई व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलता है मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्यु के जीवन का सत्य है,
परम सत्य हम सभी को जाना है, तो बच्चे उसको प्राप्त होता है। तो आप नजदीकी आई बैंक टेक्निशियन को या टेक्निकल आई बैंक टेक्निशियन को फोन कर सकते हैं, 6 घंटे के अंदर जिनके दान किया जा सकता है। उसके लिए आंखों को बंद कर दें, आंखों गर्मी का मौसम है तो आंखों ठंडी पड़ती रख लें, और नेत्र टेक्नीशियन को फोन कर दें या हमें फोन कर दें आपको, उससे हमारी टीम आएगी और वो उसकी आँखें जो होंगी वो आंखों का पूरा आंख नहीं निकाली जाती, केवल कॉर्निया और सर्कुलर व्यू निकाली जाती है, आंखों का एक हिस्सा निकाला जाता है। और सब इस समूचे विधि में लगभग 10 मिनट का समय लगता है। मैंने भी हमारे माता पिता की जब मृत्यु हुई थी तो उनकी इच्छा के अनुसार हमने नेत्रदान किया था, और एक नेत्रदान से 3 अंधे व्यक्तियों की दुनिया रोशन हो सकती है। एक नेत्रदान से 3 अंधे व्यक्तियों की दुनिया रोशन हो सकती है। इसलिए आइए हम आज नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर नेत्रदान का संकल्प लें और नेत्र संबंधी बीमारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर काम करें। और इस अवसर पर मैं एक पुस्तक लिखी डायरी, ये भी काला के महोदय को मैं करना चाहता हूँ। और इस पुस्तक में आंखों की बीमारी के बारे में चर्चा की है, और मुझे आज आप सभी के बीच आकर बड़ा अच्छा लगा। मेरा बचपन भी सरकारी स्कूल में गुजरा है, और मेरे फादर मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, और बचपन में इसी प्रकार मैंने भी जमीन पर बैठ पढ़ाई की है, और मुझे आज जमीन में आता बड़ा अच्छा लगा। और मैं हमेशा मजाक में अपने स्टाफ से बोलता हूँ एक बात कि आपने काठपुतली स्कूल से पढ़ाई की है तो आप जीवन में कोई भी असफलता आपके लिए मायने रखते हैं, क्योंकि आप सफल आपके अंदर सफलता का संघर्ष करने का जज्बा कायम रहता है। और जीवन आज मुझे बड़ी खुशी इस बात की हुई ऐसी ऐतिहासिक प्रांगण में ऐतिहासिक 6 साल पुराने स्कूल में बैठे हुए हैं, और मैं इस अवसर पर शाला के प्रधानाचार्य महोदय को समस्ती समस्ती टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतना यहाँ मुझे आने का अवसर दिया, आमंत्रण किया। और हमारे श्री महावीर को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को संभव बनाया। और यदि कोई सवाल हो आपके रिश्तेदार से संबंधित या आपको बीमारियों से संबंधित आप पूछ सकते हैं, और मैं पुनः आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you.